जय माता दी। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसी घटना, ऐसे गोचर के बारे में, ऐसे राशि परिवर्तन के बारे में जो 18 साल बाद लगभग होने जा रही है, यानी 30 अक्टूबर 2023 में राहु का राशि परिवर्तन हो रहा है, यानी राहु मेष राशि से मीन राशि में, यानी उल्टी गति में जाकर मीन राशि में गोचर करने वाले हैं। वहीं पर अगर देखा जाए तो राहु का जब गोचर होगा तो केतु का गोचर भी कन्या राशि में होगा, और राहु का ये जो गोचर है, केतु का जो ये राशि परिवर्तन है, एक तो 18 साल बाद हो रहा है मीन राशि में, साथ ही साथ 18 महीने के लिए रहेगा, यानी कि देखा जाए तो 30 अक्टूबर 2023 से लेकर और 30 मई 2025 तक राहु देव मीन राशि में रहने वाले हैं और वहीं पर केतु देव कन्या राशि में रहने वाले हैं। आज हम चर्चा करेंगे राहु के बारे में, और अगले एपिसोड में मित्रों हम चर्चा करेंगे कि केतु के बारे में। ये एपिसोड होगा राहु के ऊपर, कि राहु का 12 राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले राहु का मंत्र, ओम अर्धकाय महावीर्या चंद्रादित्य विमर्दनम सिंगिका गर्भ संभूतम तम राहु परमाम्यम, यानी अर्धकाय महावीर्य, यानी कि राहु की अर्धकाया है, और महावीर्य का मतलब बहुत ज़्यादा लालसा और महत्वाकांक्षी वाला ग्रह, चंद्रादित्य विमर्दनम, जिसका चंद्रमा और देखा जाए सूर्य से गंभीर शत्रुता है, सिंगिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्यम, सिंह की सवारी करने वाला ऐसे राहु देव को हम प्रणाम करते हैं। चलिए सबसे पहले राहु देव कौन है, और ज़्यादातर दर्शकों को जो ज्योतिष के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं उन्हें मालूम है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा अपनी ओर से पौराणिक महत्व भी आपको बताने जा रहा हूँ और वैज्ञानिक महत्व भी बताने जा रहा हूँ। पहले हम ये जानते हैं कि राहु है क्या, कौन है। तो पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन के दौरान स्वर भानु एक दैत्य था, जिसने अमृत का कलश या अमृत का पान पी के वो अमर हो गया, तब भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उसके दो भाग कर दिए, यानी कि जो विष्णु भगवान का चक्र था उसके गले से उसको काट दिया, तो ऊपर का हिस्सा या राहु कहलाया और नीचे का हिस्सा जो है, जो धड़ है, वो केतु कहलाया, और ये राहु और केतु के नाम से आगे प्रसिद्ध हो गए। वैसे इस राक्षस का नाम स्वरभानु था। अब वैज्ञानिक महत्व के बारे में मित्रों जानते हैं, तो देखिएगा कि सूर्य, ये सूर्य है और सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है। मान लीजिए सूर्य है, सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है, और पृथ्वी की परिक्रमा कौन करता है, चंद्रमा। तो जब जो पृथ्वी की जो कक्षा है और चंद्रमा की कक्षा देखा जाए, जब ये आपस में दो भागों में ऊपर और नीचे काटती है, यानी कि दो अक्षांश में काटती है जो चित्र में दिख रहा है, और उसको नॉर्थ लोड और साउथ नोड कहा जाता है, यानी नॉर्थ नोड और साउथ नोड कहा जाता है, और इसको टोटल इस घटना को लूनर नोड कहा जाता है। वहीं पर आपको ऊपर की तरफ केतु महाराज मिल जाएंगे, नीचे की तरफ आपको राहु महाराज मिल जाएंगे, जो कि पृथ्वी की कक्षा और देखा जाए चंद्रमा की कक्षा को दो भागों में, दो बिंदुओं पे काटता है। आपको चित्र में समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहीं पर है राहु और केतु, याद रखिएगा। अब राहु और केतु को आपने जान लिया क्या है, कैसे दिखते हैं, वैसे तो दिखाई देते नहीं, छाया ग्रह हैं, लेकिन उसका अनुमानित वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमने देख लिया, पौराणिक महत्व देख लिया। अब राहु केतु के कुछ रोचक तथ्य मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि आपको बड़ा हैरान करने वाला है। पहला मित्रों, राहु केतु की कोई अपनी राशि नहीं है, यानी कि अभी तक, यानी कि इस वीडियो 2023 तक और जब से राहु केतु का सर कटा है तब से अभी तक विद्वानों के बहुत अलग अलग मत हैं। मतलब राहु केतु में जितना कन्फ्यूजन है ना मित्रों, उतना कन्फ्यूजन किसी में नहीं है। कोई ये मानता है कि मिथुन राशि राहु की उच्च राशि होती है, कोई मानता है कि धनु राशि राहु की उच्च राशि होती है। इसी प्रकार से केतु में अलग अलग कन्फ्यूजन है, कौन मित्र है, कौन शत्रु है, लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग विद्वान डिस्क्राइब करते हैं, बिल्कुल कन्फ्यूजन है इसमें। साथ ही साथ सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊँ, राहु केतु एक ही शरीर से उत्पन्न हुए हैं, यानी कि
एक आत्मा दो जान है, लेकिन उसके बाद भी देखा जाए दोनों में भी आपस में शत्रुता है। यानी जब देवता का दर्जा दोनों को मिल गया, राहु को और केतु का, तो एक दूसरे से भी चिढ़ने लगे और एक दूसरे से भी शत्रुता इन्होंने कर ली, जैसे भाई भाई आपस में लड़ते हैं। इसी तरह से देखा जाए तो दूसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, राहु जिसकी कुंडली में प्रबल होता है ना, वो बहुत बड़ा कॉपी कैट होता है। अब कॉपी कैट का मतलब कि ऐसे व्यक्ति के अंदर चालाकी और देखिए चालाकी जन्मजात होती है, ऐसे लोग बहुत चालाकी करते हैं, बुद्धि से बहुत तेज होते हैं, साथ ही साथ किसी चीज़ की कॉपी करने में मास्टर, जैसे कहते हैं ना जूते की कॉपी बना ली, सॉफ्टवेयर की कॉपी बना ली, उसकी नकल बना ली, कॉपी करने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, ओरिजिनल को भी मात देते हैं। जिनका राहु अच्छा होता है, याद रखिएगा स्टूडेंट, जिनका भी राहु अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं केंद्र त्रिकोण में बैठा है, शनि की राशि, बुध की राशि, शुक्र की राशि में बैठा है, तो मान के चलिए ऐसे लोग कॉपीकेट बड़ी जल्दी कर लेते हैं। किसी की लाइफस्टाइल को फॉलो करना, कोई टेक्नोलॉजी की कॉपी करना बहुत अच्छा कर लेते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं। साथ ही साथ केतु के बारे में बात करें तो केतु जो ग्रह है वो इंट्यूशन वाला होता है, यानी केतु जिसका भी स्ट्रांग होता है, और केतु किन राशियों में स्ट्रांग होता है ये बड़ा कन्फ्यूजन है। केतु अधिकतर मित्रों जो राशियां हैं बुध की, गुरु की, शुक्र की राशियों के अंदर स्ट्रांग होता है, याद रखिएगा बुध की राशि, गुरु की राशि, शुक्र की राशि में स्ट्रांग माना जाता है केतु को। तो यहाँ पर केतु अगर होंगे तो आपकी कुंडली में और केंद्र त्रिकोण में होंगे तो केतु आपका अच्छा है, आपके अंदर इंट्यूशन पावर हो जाएगी, यानी आपको एक अनुभव पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है, 10 साल बाद टेक्नोलॉजी कहाँ जाएगी, आपको बुरे और अच्छे की इंट्यूशन आने लगेगी, आपके अंदर इंट्यूटिव पावर आ जाएगी, जिसके कारण आप जो हैं अपने भविष्य को अच्छा बना सकते हैं। तो राहु और केतु दोनों अगर अच्छे हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक में चालाकी बहुत अच्छी मिलती है और एक में इंट्यूटिव पावर ज़्यादा मिलती है। साथ ही साथ एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ, राहु केतु हमेशा वक्री होते हैं, यानी कि हमेशा उल्टे ही चलते हैं, लेकिन इनकी दृष्टि सीधी होती है, याद रखिएगा इनकी जो दृष्टि होती है कुछ विद्वानों के अनुसार 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है, याद रखिएगा, और विज्ञानों को मतलब विद्वानों के अलग अलग मत भी हैं राहु को लेकर, कोई 5वीं, 9वीं और 7वीं दृष्टि मानता है, कोई कहता है कि इनकी जब कोई राशि ही नहीं है तो इनकी दृष्टि का कोई महत्व नहीं है, लेकिन मैंने खुद अनुपम में देखा कि इनकी दृष्टि का महत्व होता है। साथ ही साथ देखा जाए तो राहु जब भी राशि परिवर्तन करता है, जैसे कि 30 अक्टूबर 2023 में राहु देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो 9 महीने यानी शुरू के जो 9 महीने आपको अच्छा या बुरा दोनों इफेक्ट ज़्यादा मिलेगा, यानी जबरदस्त मिलेगा। अगर अच्छे होंगे तो अच्छा इफेक्ट मिलेगा और बुरे होंगे तो बुरा इफेक्ट आपको तुरंत मिलेगा, 9 महीने तक मिलेगा, फिर अंतिम के जो 9 महीने वो कहीं ना कहीं नॉर्मल होते हैं, यानी कि 9 महीने ज़्यादा इसका अच्छा या बुरा इफेक्ट मिलता है। अब इस कार्यक्रम में मेष से लेकर और मीन राशि के क्रम वाइज एक कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि मेष राशि के लिए कैसा रहेगा, वृषभ के लिए, मिथुन के लिए, कर्क के लिए, सिंह के लिए, पूरा डिटेल में ये कार्यक्रम रहने वाला है। और अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ देखा जाए तो इस पोस्ट को शेयर करते रहे, क्या पता किसी के काम आ जाए। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि पे जो राहु का राशि परिवर्तन हो रहा है, यानी 30 अक्टूबर 2023 से लेकर और 18 महीने देखा जाए ये परिवर्तन रहेगा, यानी देखा जाए तो आपकी कुंडली में ये कुंभ राशि की कुंडली आपके द्वितीय भाव में ये गोचर होने वाला है और 18 महीने रह सकता है, यानी कि लमसम देखा जाए तो 30 अक्टूबर 2023 से और 30 मई 2025 तक ये गोचर रहेगा। तो राहु द्वितीय में द्वितीय वाणी का स्थान होता है, तो राहु कुंभ राशि वालों को झूठ बोलने में देखा जाए तो विवश कर देगा। राहु का यहाँ पर गोचर देखा जाए तो अच्छा बुरा दोनों तरह का कुंभ राशि को रिजल्ट देगा, यानी अच्छा भी देगा बुरा भी देगा। तो पहला तो ये कि आपकी वाणी में बैठा है तो आप झूठ बोलने लगेंगे, आप थोड़े सेल्फिश हो जाने वाले, मतलबी हो जाने वाले, अपना काम निकलवाने वाले हैं, ऐसा आपका अब नेचर हो जाने वाला 18 महीने के लिए एटलीस्ट। देखिए सबसे पहले हम अच्छे असर की बात कर लेते हैं राहु के, तो अच्छा असर ये होगा कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या करेंगे, चाहे सोने पे, शेयर पे और स्टॉक के अंदर, कुछ ऐसी एडवाइसें आपको मिलेंगी जिससे
आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें आपको रातों रात कहते हैं कि बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा, यानी कि बहुत अच्छा आपको धन लाभ मिलने वाला है। और जान पहचान से कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, कोई क्लाइंट से ऐसा धन का कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है जिससे कि आपकी धन की स्थिति 18 महीने में बहुत अच्छी होगी। साथ ही साथ देखा जाए आप झूठ का सहारा लेने वाले हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा राहु आपसे झूठ बुलवाने वाला है। साथ ही साथ आप जो है ब्रांडेड वस्तुओं का दिखावा करेंगे, ज़बरदस्त सोने की चैनें पहनेंगे, मतलब आप ज़बरदस्त आप वाहन पे दिखावा करेंगे, वाहन बड़ा खरीदेंगे, अच्छे वस्त्र पहनेंगे, ताकि इस दिखावे में, क्योंकि वो आप नहीं करेंगे, राहु आपके ऊपर, आपकी बुद्धि आपके दिमाग पे आएगा, तो आप दिखावे करने वाले हो जाएंगे। ब्रांडेड चीज़ों का शौक आपके अंदर, ब्रांडेड परफ्यूम का शौक आपके अंदर जागृत होगा, जिससे कि आप लोगों को इम्प्रेस करेंगे और अपने काम निकलवाएंगे और आपको गुप्त तरीके से धन भी प्राप्त होगा, याद रखिएगा। तो कुल मिला के राहु का ट्रांजिट यहाँ पर आपके धन को बढ़ाने वाला है। साथ ही साथ देखा जाए तो समाज में कहे जाने वाले बुरे काम से आपको बहुत लाभ होगा, यानी कि समाज में जो काम बुरे कहे जाते हैं उसका ऑफर आपको आ सकता है, वो काम करने के लिए आपको कहा जा सकता है और खूब धन लाभ आप ना चाहते हुए भी वो काम कुछ लोग कर सकते हैं और खूब धन लाभ यानी कि ऐसी इनकम प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ देखा जाए राहु द्वितीय में जो बैठा है ना, वो आपसे धन संबंधी आपके इंस्टीट्यूट में घपलेबाजी आपसे ही कराएगा, याद रखिएगा। यानी कि आपकी तो जेब भरेगा लेकिन आपसे घपलेबाजी बहुत कराने वाला राहु, आपकी बुद्धि को हर लेगा और आपसे बहुत घपलेबाजी कराएगा, बहुत हेरा फेर बैलेंस शीट में, परचेज के अंदर आप करने वाले हैं, जिससे कि आपको धन का लाभ होगा, पकड़े नहीं जाएंगे लेकिन आपको धन का लाभ होगा। कारण क्या है कि राहु आपके द्वितीय में और राहु जो है इलीगल काम कराने में एक्सपर्ट है। समाज में जो काम बहिष्कृत होते हैं वो लोग करते हैं, जैसे शराब का काम हो गया या इस तरह के जो काम होते हैं, सड़ाने गड़ाने, केमिकल का काम, कोयले का काम, मतलब कुछ ऐसे काम होते हैं जो समाज में बहुत अच्छे नहीं माने जाते, उससे आपको अच्छी इनकम प्राप्त होगी, याद रखिएगा। और साथ ही साथ जो कुंभ राशि वाले नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी और करियर में दूसरे का प्रमोशन या दूसरे का काम आपको दे दिया जाएगा, यानी कि इसमें पद प्रमोशन तो होगा लेकिन दूसरे के बाटे का, दूसरे के हिस्से का आपको मिलेगा, याद रखिएगा, ऐसा योग नज़र आ रहा है। यानी कि आप नौकरी में कुछ ऐसा षड्यंत्र करने वाले हैं जिससे कि दूसरे की छुट्टी हो जाएगी, दूसरे जो आपके कामों में टांग अड़ा रहे हैं, आप कुछ ऐसा जाल बुनने वाले हैं, ऐसा चालाकी करने वाले हैं, क्योंकि राहु षड्यंत्रकारी भी होता है, जाल भी बुनता है राहु। तो राहु द्वितीय में बुद्धिवाणी में आ गया है तो आपको बड़ा तेज करेगा, आप अपने विरोधियों का के छक्के छुड़ाने वाले, ये कहावत होती है, यानी विरोधी आपके परास्त होने वाले हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो राहु आपको जमीन से जुड़ा घड़ा धन भी देगा। अब घड़ा धन का मतलब क्या होता है कि आपकी जो आपने जमीन खरीदी है वो इन 18 महीने के अंदर बहुत अच्छी प्राइस आपको उसकी मिलेगी। अचानक से वहाँ कोई प्रोजेक्ट आ सकता है, सरकार उसको अक्वायर कर सकती है, जिससे कि आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा, यानी कि ज़मीन से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा, या पैतृक ज़मीन का कोई डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है तो पैतृक ज़मीन आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ राहु का बुरा प्रभाव देखा जाए तो घर परिवार के अंदर क्लेश बढ़ जाएगा, यानी कि घर के अंदर अशांति बहुत ज़्यादा रहेगी। साथ ही साथ कोई सदस्य रूट कर या विद्या करियर के लिए परिवार से दूर जाने के योग नज़र आ रहे हैं, यानी कि या तो झगड़ के जा सकता है या फिर जिद में जा सकता है, कोई भी कोई आपका परिवार का सदस्य आपसे दूर जा सकता है 18 महीने में, ऐसा योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए राहु आपके दीन ईमान को बेच देगा, यानी आपको बेच के, आपके ईगो को बेच के, आपकी ईमानदारी को बेच के आपको खूब तरक्की और खूब धन देने वाला है। डिपेंड करता है आप, कसौटी आपकी है कि आप अपनी ईमानदारी के साथ रहेंगे या आप भी वक्त के साथ ही चलेंगे, याद रखिएगा। तो ये जो चीज़ है वो वक्त में देखी जाएगी, क्योंकि देखा जाए तो राहु जो द्वितीय भाव में बैठे हैं तो आपका जो ईगो है, आपका जो एटीट्यूड है, आपकी जो ईमानदारी है, उसको
बेचने वाला है, यानी अपने आप को आप बेच के, अपनी सोच को, ईमानदारी को बेच के पैसे कमाने वाले हैं। देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसा भी पैसा कमाते हैं, देखते हैं आप क्या करते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो राहु का जो ट्रांजिट है वो कुछ अच्छा भी है और कुछ ख़राब भी है कुंभ राशि वालों के लिए। और डिटेल में अगर जानना है तो 7210124289 पे आप व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे कुंडली आप मुझे भेजें या फिर अपनी बर्थ डिटेल आप मुझे सेंड करें और टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले लें। वो थोड़ा बहुत चार्ज भी है वो पे कर दें, क्योंकि हमारा चार्ज इतना ज़्यादा नहीं है। हमारा चार्ज इतना है जितना खुश आप खुशी मन से किसी मांगने वाले को देते हैं ना, उतना हमने चार्ज रखा है, यानी मिनिमम चार्ज है, आप उसको बेयर कर सकते हैं, इसलिए आप चिंता ना करें।